हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो बने रहना। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं टेरेस पे ही आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, आज टेरेस पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। एक तो फ्रेंड्स मैंने ये काम किया है, छाया में बारिश आई है, तो फ्रेंड्स एक तो मैंने ये किया है कि ग्रो बैग कैसे भरते हैं। तो आज मैंने एक ग्रो बैग भरा है, तो पूरे वीडियो की क्लिप लगा दूँगी। और उसके अंदर मैंने जो गिलकी का पौधा, गिलकी की बेल थी, वो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। और सारा दिन भर का जितना भी काम कर गई थी पूरा लगा दूंगी। और फिलहाल उसकी कंडीशन बता देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप भी सही होंगे, ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं आ जाती हूँ अपने गार्डन में काम करने के लिए। तो फिलहाल जो खाद लेकर आई थी कल, तो उनको मेरे को उन्हें जो लिक्विड बनाना है उनको गलाना है, और मेरे लौकी गिलकी जितने भी फ्लावर प्लांट है सब में डालना है। तो अभी मैं गलाने जा रही थी, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि फ्रेश लिक्विड डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पौधे को तुरंत भोजन मिल जाता है जड़ों तक। तो दिखा ये नीम खली है, इधर ये है सीविड, और एक केले भी रख रखे हैं फ्रेश में, केले भी डालती हूँ। तो ये देखिए, इनमें से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। मेरे को 4-5 पौधे के लिए मेन ज़रूरी है, जैसे लौकी है और जैसे फ्लावर प्लांट है मेरे, उनके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीविड है, देखिए दाने में है। ऐड ऐसे लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, कम ज़्यादा खराब पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है पर कम नहीं पहुंचाएगा। और ये है नीम खली, तो देखिए नीम खली भी एक फर्टिलाइजर भी है, खाद भी है, और इससे भी यानी जितने भी कीटाणु होंगे मिट्टी के अंदर वो मर जाते हैं। ये देखिए, अब इसमें मिलाऊंगी मैं बर्मी कंपोज। ये देखिए, ये बर्मी कंपोज का पैकेट है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ये देखिए, और ये भी है ना जो गोबर की खाद से बनाया जाता है केंचुओं के द्वारा। तो अब मैं इसमें से 2 मुट्ठी लेंगी, इतना सारा मैंने डाल दिया आइडे से। अब ये तीनों को इन्हें जो भिगो कर रखूँगी ताकि एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको गलने देती हूँ, तब तक मैं गार्डन का थोड़ा बहुत काम है जो वो कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे सीवीड है, नीम खली है, बर्मी कंपोज है, और सरसों की खल भी होती है फ्रेंड्स, पर मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है, और वो भी अच्छी रहती है, पर उसको डालो थोड़ी कम में डालना चाहिए अभी, पर अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ। अभी नेक्स्ट बार जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है कि अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए खाद तो डालना ही पड़ेगा, और लिक्विड खाद सबसे बेस्ट होता है। तो लिक्विड क्या, पौधे को बहुत जल्दी भोजन मिल जाता है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत जो गार्डन का काम है वो कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने गार्डन का छोटा मोटा काम कर लिया। और अब है ना फ्रेंड्स, मैं जो ये ग्रो बैग है इसको भर के दिखा रही हूँ, और इसके अंदर मुझे एक पौधा भी, एक मतलब गिलकी की बेल है, उसको शिफ्ट करना है क्योंकि वो तैयार हो चुकी है, काफ़ी बड़ी होगी। और मैं इतने दिन से आपसे बोल रही थी फ्रेंड्स कि मेरे पास ना जो ग्रो बैग नहीं है, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। अब इसमें मुझे लौकी की बेल लगानी है, और लौकी की बेल के लिए कम से कम है ना फ्रेंड्स 18 इंच से ऊपर वाले ही ग्रो बैग लेना, तभी जाके ये अच्छे से फ्रूटिंग कर पाएगी, क्योंकि ये हैवी, मतलब हैवी फ्रूटिंग बेल होती है, तो इनको चाहिए ज़्यादा स्पेस। और जैसे ज़मीन की तो बात कुछ होती है, तो पूरे में स्पेस रहता है, और ये है ग्रो बैग में तो ये सीमित होता है, तो इनके लिए है ना थोड़ा लौकी गिलकी, इनके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए जड़ें फैलने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि इनके लिए पोषण युक्त मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी मैंने है ना जो मेरे गार्डन की है, और 2-3 साल से प्लस मैं 3 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, और गार्डनिंग 3 साल से भी नहीं फ्रेंड्स, जैसे ये तो शुरू से ही शौक है मेरा, और वेजिटेबलों का मेरे को 3 साल से कर रही हूँ मैं। तो इसके लिए मिट्टी है ना बिल्कुल पोषण युक्त है, तो इसके अंदर जो मिट्टी है वो उसके अंदर मैं थोड़ी सी है ना जो वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो अभी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी, और अभी फ़िलहाल है ना जो भी जैसे नीम खली है और सीवीड है, और इधर से बर्मी कंपोज है, तो वो थोड़ा सा उसका लिक्विड में बाद में डालूंगी। तो फिलहाल इसके अंदर थोड़ा सा ना जो मैं
वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना गोबर की खाद नहीं है। और फ्रेंड्स, गोबर की खाद मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि एक बार मैंने ली थी तो मुझे कच्ची खाद दे देती थी, उससे क्या पौधे नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए ना अगर गोबर की खाद लो तो 2 साल डिकम्पोज होनी चाहिए, सड़ी गली खाद नहीं, जब भी जाके पौधों के लिए अच्छी देती है। तो फिलहाल मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश की वजह से थोड़ी गीली हो चुकी है और इसके अंदर मैं मिलाऊँगी वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, ज़्यादा नहीं मिलाऊँगी, देखिए निकाल लेते हैं इसको कंडली की सहायता से मिला लेते हैं। वैसे मेरे गार्डन की मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें एक मुट्ठी राख भी, एक 2 चम्मच राख भी डाल सकते हो। पर मैं फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मेरे तरीके से लगा रही हूँ, मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। और नीम खली भी फ्रेंड्स मैंने जो लिक्विड बनाई है वो इसके अंदर है, डालूंगी थोड़ा सा बाद में, तो अच्छे से मिल जाएगी लिक्विड में। अब ये रेडी हो चुकी है, तो अब ग्रो बैग भरने का, ये देख लीजिए। और ये देखिए ग्रो बैग ले लिया है, काफ़ी अच्छी साइज है, 18 इंच से ऊपर है। इसके अंदर ना सूखे पत्ते वो मिलाऊंगी, और सूखे पत्ते में मेरे तरीके से मिलाती हूँ तो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ी मिट्टी डालेंगे, एक लेयर मिट्टी की कर दी है, ये देखिए, ये देखिए एक मिट्टी लेयर की कर दी है। और ये ले लिया मैंने सूखे पत्ते, तो फ्रेंड्स इनको मैं अच्छे से मसल लेती हूँ क्योंकि इनको जितना मसलेंगे उतने ही अच्छे से जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मैं इनको मसल लेती हूँ, और पत्ते से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खाद बनेगी बाद में, और इससे है ना जो मिट्टी भी उपजाऊ होगी, धीरे धीरे पौधे को अच्छी अच्छी खाद मिलती जाएगी। और ये फिलहाल काम नहीं करेगी, थोड़े 1 महीने बाद में ये इससे पौधे को मिलने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको मसल लेती हूँ हाथों से। और देखिए फ्रेंड्स, मौसम है ना जो बदल गरज रहे हैं फटाफट से। और देखिए मैंने ना सब इसके अंदर पत्ते मसल लिए, अब मैं डालूँगी इसके अंदर मिट्टी। ये देखिए, और देखिए फ्रेंड्स मिट्टी डाल दी है मैंने, और इसके ऊपर डालूंगी एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट, जो जल्दी से ये है ना जो डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए मैंने है ना जो बर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है, इससे क्या है कि जितनी भी सूखी पत्तियां हैं फ्रेंड्स वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगी। और ये केंचो की खाद से, गोबर की खाद से बनाई जाती है, केंचो से बनाई जाती है। अभी देखिए मैंने फैला दिया है और इसके ऊपर मिट्टी डालूंगी। और देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्रो बैग भर लिया है, और 2 बार है ना जो बारिश आ चुकी है, अब धीमी धीमी आ रही है, पर मेरे को तो पौधा लगाना है क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रहा है, तो इस मौसम में लगाना भी अच्छा रहता है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने है ना जो मेरे गिलकी की जो बेल है, मैंने एक थैली के अंदर है ना जो लगा रखी है, तो उसको इसमें लगाना है मुझे, तो दिखाती हूँ मेरी गिलकी की बेल। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे कैसे मेरे को इस ग्रो बैग में रखना है, और मैंने मिट्टी भर ली है इसके अंदर, तो देख लीजिए एक को तो शिफ्ट कर दिया फ्रेंड्स, पर इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है। तो मेरे पास में एक और लगी हुई है जो लौकी की बेल है इसके अंदर, तो इसको मैं निकाल रही हूँ, और इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी जड़ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा बेल जो खराब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं कन्नी की सहायता से निकाल लूँ इसको, मैंने बड़ी सावधानी से निकाल लिया है, और इसमें से निकाला कन्नी की सहायता से, ये देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बारिश अलग आ रही है, तो मैंने इसको लगा दिया साइडों में, मेरे को मिट्टी भरनी है। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों बेल लगा दी है, पर एक की हालत थोड़ी कमज़ोर है, तो देखते जो अच्छी चलेगी उसी को रख लूँगी मैं। फ़िलहाल मैंने दोनों शिफ्ट कर दिए हैं, और अब मैं ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ना जो वर्मी कंपोस्ट साइडों में डालूंगी ताकि पौधे को अच्छी खुराक मिल जाए। देखिए वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास में, तो डालती हूँ वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, तो इससे क्या है कि पौधे को बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। और अब मैं साइडों में मिट्टी भर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने पानी डाल दिया है, और थोड़ी जड़ दिखने लग गई है, तो मैं थोड़े से इनको अच्छे से दबा देती हूँ जड़ों को, ये देखिए, और इसको छाया में रखूँगी, ये देख लीजिए। तो अभी धूप भी नहीं निकल रही खैर खास, तो ठंडा मौसम है, अच्छे से सेट हो जाएगी ये।
पानी मैंने भरपूर मात्रा में डाल दिया है, तो ये देख लीजिए। और इनका सपोर्ट लगाना पड़ेगा मुझे किसी न किसी चीज़ का, लकड़ी बकड़ी का, तब जाके ये ना पकड़ पाएगी। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से मैंने ग्रो बैग भर दिया है और पौधा भी लगा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, अब धुलाई कर रही हूँ पौधे लगाने के बाद में, उसकी सब्जी में मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, तो सफाई करके जाना पड़ेगा मुझे, तो चलती बस। फ्रेंड्स, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, छत की धुलाई वुलाई कर दी है, पौधे वौधे सेटल कर दिए है, ये देखिए। और आज संडे है, तो संडे के दिन तो ज़्यादा काम होता ही है, ये देख लीजिए। और धूप देख लीजिए कैसे छन छन का आ रही है। तो चलते हैं हम। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नीचे जा रही हूँ पूरा गार्डन का काम करके, क्योंकि फ्रेंड्स दो तीन बार तो सुबह है ना जो हल्की हल्की बारिश आ गई थी, इसलिए मुझे नीचे भी जाना पड़ा। और इस बीच में है ना, फिर आज मैंने है ना संडे के दिन मेरे गार्डन को थोड़ा बहुत तो सही कर दिया है, देख लीजिए। और करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे गार्डन नहीं चलता, गार्डन में पेड़ पौधों को अच्छी तरह केयर करनी पड़ती है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी है ना मैंने, अब नीचे जाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, साफ़ सुथरा गार्डन कितना अच्छा लगता है, ये देखिए। सुकून मिलता है एक तरह से गार्डन में काम करके, साफ़ सफाई करके, पौधों को अच्छी तरह रख के, तो ये देख लीजिए। और फूल तो खिला है, मैं अभी दिखाना भूल गई आपको, गुड़हल का, ये देख लीजिए। तो अब चलते हैं नीचे। और ये देखिए डेंथिस के जीनिया के काफ़ी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, देखिए। ये फ्रेंड्स थोड़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, ये मैंने गिलकी की बेल लगाई है, देख लीजिए, इसमें ट्रांसप्लांट कर दिए। और फ्रेंड्स ये दो मैंने साइड में इसलिए लगा दिए, क्योंकि ये देखते हैं कौन सी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, तो मैंने ये ग्रो बैग में भर दिया। और इसको भरने का पूरा डिटेल वीडियो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये देख लीजिए। सारे गार्डन को धो के गई थी, अच्छे से साफ़ सफाई करके गई थी, और सुबह मॉर्निंग की क्लिप लगा दूँगी मैं। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे मोगरे की कलियाँ बनने लग गई है, देख लीजिए। दोबारा से सारे फूल खिल के ना मुरझा गए थे, अब हटा दिए मैंने, और ये देखिए नई नई कलियाँ बनने लग गई है, ये देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने ना जो मतलब गार्डन के लिए शॉपिंग करी थी, तो एक तो ग्रो बैग, तीन तो ग्रो बैग लेकर आई थी मैं, तो मैंने सारे वीडियो में लगा दिया है। और आज मैंने खाद इनके लिए, जो गिलकी है, लौकी है, जितने फ्लावर प्लांट है मेरे, सबके लिए मैंने जो लिक्विड खाद गला दिया है, तो वो मैंने सुबह की क्लिप पूरी लगा दूंगी। और ये ज़रूरी था, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो खाद तो डालना ही पड़ेगा। एक तो नीम खली है, नीम खली फ्रेंड्स अभी बारिश आने वाली है थोड़े एक महीने बाद, तो उसके लिए भी है ना, जो नीम खली मिट्टी के अंदर जो कीटाणु होते हैं बेकार, जो मिट्टी के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको मारने का काम करती है। दूसरी बात, एक फर्टिलाइज़र भी, और उससे पौधा भी स्वस्थ रहता है और उससे अच्छी ग्रोथ भी रहती है। तो नीम खली है, इधर से सीवीड ली है मैंने इसके अंदर, और वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने इसमें गला दिया है, और अभी है ना फ्रेंड्स मैं अभी नहीं डालूँ, क्योंकि अभी बारिश आ रही है और ये पता नहीं बारिश कब तक चलेगी, तो इसको मैंने मिला के रख दिया, सुबह मॉर्निंग में गला दिया था, भिगो दिया है। तो मेरा अभी डालने का था, पर अभी मैंने डालना कैंसिल कर दिया, क्योंकि है ना अगर मान लें रात भर बारिश आई, तो गमलों में से, ग्रो बैग में से पानी के साथ ही सारा लिक्विड खाद वो बहकर निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में डालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश में सारे पोषक तत्व होते हैं जो वो बहकर निकल जाएंगे, तभी कोई फ़ायदा है नहीं है, तो सुबह मॉर्निंग में इसको डालूँगी। तो चलते फ्रेंड्स नीचे चलते हैं अब, क्योंकि बारिश की चीटा आ रहा है, देख लीजिए। इस बार तो ऐसा लगता है मानसून बहुत जल्दी आ चुका है, साल भर हो गए ऐसे ही होते होते। फ्रेंड्स, मैं नीचे आ चुकी हूँ, और इतनी भयंकर बारिश आ रही है, यूँ मान के चलिए कि अगर मैं अगर लिक्विड खाद अभी डालती ना, तो बिल्कुल भी है ना वो खाद, मतलब बारिश में जो पानी पड़ता गमलों के अंदर, पूरे मैंने ग्रो बैग में पानी के साथ भेजा था, तो मैंने बढ़िया किया फ्रेंड्स, जो मैंने वो लिक्विड खाद नहीं डाला, और सुबह मॉर्निंग में डालूंगी। और ग्रो बैग भरने का मैंने आपको कई बार वीडियो शेयर कर दिया, और आज और किया है। और इस प्रकार से अगर आप ग्रो बैग या कैरेट या गमला भरोगे ना, तो आपके जो जितने भी फ्रूटिंग प्लांट है वगैरह है लगाओगे, तो अच्छी अच्छे है ना जो उनमें फल आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।